नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जिस दिन हमारे देश के बहादुर वीरों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर उसे आजाद कर पाया। हर हिंदुस्तानी को उन सपूतों पर गर्व है। देश के हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े और देश का नाम भी रोशन करे। वहीं स्कूलों में ये ही सिखाया जाता है, लेकिन प्रदेश में एक स्कूल ऐसा भी है जहाँ राष्ट्रगीत गाने पर ही प्रतिबंध लगा है। आखिर क्यों लगाई गई राष्ट्रगीत पर ये रोक, जानेंगे हमारे इस खास पेशकश में। और साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे दलितों पर हो रहा है अत्याचार। अगस्त को हमारे देश को आजाद हुए 70 साल होने जा रहे हैं, इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इन दिन देश के हर स्कूल में तिरंगा लहराएगा, देश की संस्कृति को दिखाने अनेक कार्यक्रम भी होंगे, देश के लिए जान देने वाले वीर पुत्रों को भी याद किया जाएगा, राष्ट्रगीत गाया जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रदेश में एक स्कूल ऐसा है जहां पर राष्ट्रगीत गाने ही नहीं दिया जाता, वो भी धर्म का हवाला देकर, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, जिन नौनिहालों को देश का भविष्य माना जाता है उन्हें स्कूल में राष्ट्रगीत गाने ही नहीं दिया जाता। कैसे ये स्कूल एक मदरसे की तरह शिक्षा दे रहा है, कैसे यहाँ मजहब के नाम पर नियम बना दिए गए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पंद्रह अगस्त को देश आजादी की 70वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। पूरे देश में शान से तिरंगा लहराएगा, हर नागरिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर गर्व महसूस करेगा। वंदे मातरम जिसकी गूंज के साथ कितनों ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पर राजस्थान में एक स्कूल ऐसा भी है जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बाड़मेर के एक सरहदी गांव पांधी का पार में एक निजी स्कूल ने सालों से राष्ट्रगीत पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं इसी स्कूल में कुरान पढ़ाने के लिए अतिरिक्त क्लास लगाई जाती है। MVM रेगिस्तान पब्लिक स्कूल को शिक्षा विभाग ने इस आधार पर मान्यता दी थी कि इस स्कूल में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। लेकिन स्कूल में चल रहे शिक्षा पाठ्यक्रम पर नजर डालें तो ये स्कूल नहीं बल्कि मदरसा नजर आता है। मदरसा तर्ज पर चल रहे इस स्कूल के संचालक मोहम्मद अजहर के अनुसार धर्म इजाजत नहीं देता, इसलिए वंदे मातरम नहीं गाते। राष्ट्रगीत इस वजह से कि वंदे मातरम यानी भूमि के लिए भूमि की पूजा करना हमारे धर्म जायज नहीं है, इस वजह से राष्ट्रगीत नहीं लाया। तो यहाँ पे आप इस्लामिक तालीम दे रहे हो या फिर शिक्षा देते हो? नहीं, हम स्कूली शिक्षा देते हैं। नहीं, हमारा मकसद स्कूली शिक्षा देना और उसके साथ है कि थोड़ी बहुत इस्लामिक तालीम यानी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हिंदू बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बावजूद आपके यहाँ पे वंदे मातरम पर बैन है, कारण? ये हम उसकी बैन है, ये कोई बैन नहीं है हमारे यहाँ। हमारे ये है कि उसकी जगह सारे जहाँ से अच्छा पढ़ाया जाता है राष्ट्रीय गीत। शिक्षा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रमों में वंदे मातरम शामिल है, आपको ये नॉलेज में होना चाहिए, बावजूद इसके आपके यहाँ पे बैन है। लेकिन यहाँ कसीद ज्यादा देखी जाएगी। दरअसल इस स्कूल में सालों से मजहबी कारण बताकर राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल संचालक मोहम्मद अजहर का कहना है, हमारे इस्लाम धर्म में जमीन की पूजा धर्म के खिलाफ मानी जाती है, इसलिए स्कूल में वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि उसका कहना है कि हम वंदे मातरम की जगह सारे जहां से अच्छा गीत गवाते हैं। स्कूल संचालक भले ही अपने धर्म को आधार बताकर इस स्कूल में वंदे मातरम पर प्रतिबंध की बात कर रहा हो, लेकिन यहाँ केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के लड़के लड़कियाँ भी पढ़ते हैं। इस स्कूल में कई छात्रों ने बताया कि स्कूल में वंदे मातरम पर प्रतिबंध है, जबकि छात्र छात्राओं ने यह स्वीकार किया
कि इस स्कूल में कुरान पढ़ाने के लिए अतिरिक्त क्लास लगती है और कैमरे के सामने कई सारे छात्र कुरान पढ़ते हुए नजर आए। आपके यहाँ पे वंदे मातरम वगैरह होता है? राष्ट्रगीत नहीं होता है। अतः वंदे मातरम। इस स्कूल में किस प्रकार की पढ़ाई करवाई जाती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक को ये तक नहीं पता कि राजस्थान का राज्यपाल कौन है। मामला बहुत ही गंभीर है लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी को सालों से इसकी जानकारी ही नहीं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी डूंगरदास खींची का कहना है कि यदि कोई शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। विभाग के नियम अनुसार राष्ट्रगीत किसी भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल की प्रार्थना सभा का हिस्सा होता है। मान्यता की शर्तों के अनुसार जो शिक्षा विभाग के निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों के अनुसार विद्यालय कार्यक्रम करने के लिए उनको पाबंद करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई नियमों के विरुद्ध निर्देशों के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो हम शिकायत की जांच करके उसके अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। इसे हमारे देश के सिस्टम की लाचारी कहें या दफ्तर में कुर्सी तोड़ते अधिकारियों की लापरवाही, एक तरफ हमारे देश के बचपन को वंदे मातरम गाने से रोका जा रहा है तो दूसरी ओर अधिकारियों का वही रटा रटाया जवाब है कि शिकायत होगी तो कार्रवाई करेंगे। ऐसे ये समझ से परे है कि कार्रवाई की उम्मीद किससे की जाए। फर्स्ट इंडिया के लिए बाड़मेर से दुर्ग सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। संवाददाता दुर्ग सिंह बाड़मेर संवाददाता हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जी दुर्ग सिंह, ये मामला यहाँ पर सामने आया है इस गांव में और अधिकारी भी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना है शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ फिलहाल इस मामले में अपडेट सामने आई है? देखिए, जब जिला शिक्षा अधिकारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माफ करें डूंगरदास खींची, उनसे फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जब सवाल पूछे तो उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया वो सिर्फ और सिर्फ एक खानापूर्ति के जवाब ही कहे जाएंगे। जब हमने उनसे पूछा कि इतने सालों से एक स्कूल संचालक, निजी स्कूल संचालक राष्ट्रगीत पर पाबंदी लगाए हुए हैं और विभाग इस मामले को लेकर क्यों इतना अनभिज्ञ है, जबकि वहां पर धार्मिक शिक्षा के नाम पर एक अतिरिक्त क्लास लगाई जाती है, जबकि जो वहाँ का संचालक है निजी विद्यालय का, उसका ये कहना है कि इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता कि हम वंदे मातरम कहें, भूमि की पूजा हम नहीं करते। अगर भूमि की पूजा वो नहीं करते कोई बड़ी बात नहीं है। जी दुर्ग सिंह, आपको अभी रोकना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र जुड़ चुके हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेते हैं। जी कैलाश जी, आपसे सबसे पहले स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। आपको बता दें कि यहाँ पर बाड़मेर में एक गाँव ऐसा है पांधी का पाल जहाँ पर मजहब के नाम पर शिक्षा दी जाती है, क्या इस मामले की आपको जानकारी मिल पाई है अभी तक? इसमें हमने जांच दल, जिला कलेक्टर महोदय ने और हमने एक संयुक्त जांच दल बनाकर के भिजवाया है जी, वो जांच करके और रिपोर्ट बना करके और ला रहे हैं, हम उसी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जी इंतजार लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, साथ ही अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है, डीईओ द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ शिकायत आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आपके प्रसंज्ञान में ये मामला कब आया? हमारे प्रसंज्ञान में ये आज ही मामला आया है, इससे पहले नहीं। तो इतने समय से यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है जहाँ शिक्षा यहाँ मजहब के नाम पर तालीम यहाँ दी जा रही है, यहाँ पर मदरसा की तरह ये स्कूल चल रहा है, वहीं आपका ये कहना है कि आज ये शिकायत आपके पास आई है, इतने दिनों से आप खुद जिला शिक्षा अधिकारी है, क्या आपने द्वारा नहीं किया था स्कूल का? हमारे पास इस संबंध में शिकायत नहीं आई है, शिकायत आते तुरंत कार्रवाई कर दी गई है और विद इन एन आवर हमारे पास फैक्चुअल रिपोर्ट उसकी आ जाएगी। अब रिपोर्ट कब तक आ पाएगी इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी कैलाश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है उनके पास इस बात का जवाब नहीं है। सब यहाँ पर अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षा अधिकारी का यहाँ पर कहना था कि शिकायत आज ही हमारे पास आई है, वहीं जांच यहाँ पर कर दी गई है और वहीं रिपोर्ट आते ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी इनके पास ये जवाब नहीं है कि इतने सालों से जब ये स्कूल संचालित हो रहा है तो कब तक यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर कमेटी
जांच कमेटी का गठन फिलहाल कर दिया गया है। शिक्षा अधिकारी ने कहा है तुरंत कार्रवाई का भरोसा भी यहां पर दिखाया गया है। आपको बता दें फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी ने फर्स्ट इंडिया से ये कहा कि खबर दिखाने के बाद जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था। आज ही शिकायत यहां पर हमारे पास आई है और जांच करवाई जाएगी और तुरंत यहां रिपोर्ट देने के बाद कार्रवाई कर दी जाएगी। तो आपको बता दें जहां डीईओ इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे थे, उनका कहना था कि शिकायत आने के बाद कार्रवाई की जाएगी, वहां जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन यहाँ पर दिया है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है, अब तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी, भरोसा यहाँ पर शिक्षा अधिकारी द्वारा दिलाया गया है। वही बड़ा सवाल अभी भी ये बनता है कि आखिर कब तक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ खबर का असर होता हुआ नजर आया है, लेकिन अभी भी इंतजार है कि कब इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने प्रमुखता को इस खबर को उठाया था कि बाड़मेर में जिस प्रकार से पांधी का पाल गांव में इस प्रकार से शिक्षा यहां पर दी जा रही है, मजहब के नाम पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वही वंदे मातरम यहां गाने पर रोक लगा दिया है, राष्ट्रगीत यहां बच्चों को गाने नहीं दिया जा रहा। भैया फर्स्ट इंडिया ने कुछ बच्चों से भी यहां बात की, उनसे जाना कि क्या उन्हें राष्ट्रगीत आता है, तो साफ तौर पर यहां मना कर दिया। वही मजहबी शिक्षा के लिए यहां एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है। बायतु से विधायक कैलाश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कैलाश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। जी यहाँ पर ये मामला सामने आया है बाड़मेर के पांधी का पाल गांव में, जहाँ पर एक स्कूल में मजहब के नाम पर शिक्षा दी जा रही है, क्या कुछ है इस मामले की जानकारी है आपको? जी मुझे इतनी पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अभी मुझे जानकारी थोड़ी बहुत आपसे मिली है। जी जी, वहीं पर शिक्षा अधिकारी ने यहाँ आश्वासन दिया है कि टीम गठित की जाएगी, जांच की जाएगी उसके बाद, लेकिन सवाल अभी भी ये बनता है कि कब तक रिपोर्ट आ पाएगी, कब तक जांच की जाएगी, जब प्रशासन के पास ये पूरा मामला नहीं पहुंच पाया। जी अब ये तो पूरी मेरे को अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर ऐसा कोई है और जो भारत माता की जय और वंदे मातरम का और राष्ट्रगान का अगर कोई विरोध करता है, तो निश्चित रूप से वो देश का हितैषी नहीं है, वो देश का गद्दार है, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जी विधायक जी, क्या इस स्कूल में 15 अगस्त को, जी क्या इस स्कूल में 15 अगस्त को, आगामी 15 अगस्त को, 3 दिन बाद 15 अगस्त है, क्या राष्ट्रगीत गाया जाएगा, ये आश्वासन देंगे आप? मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जी और जो राष्ट्रगान का और वंदे मातरम का विरोध करता है और हिंदुस्तान में रहता है जी, और वो अगर ऐसे स्कूल के अंदर जो शिक्षा देता है और जो भारत माता की जय और वंदे मातरम का परहेज करता है जी, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, निश्चित रूप से अगर कानूनी कार्रवाई जो होगी और उसकी मान्यता भी रद्द होनी। जी विधायक जी, आज जिस प्रकार से शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है, तो आपसे क्या कुछ उम्मीद रखी जाए इस मामले में? जी हेलो जी कैलाश जी, आपसे क्या कुछ उम्मीद रखी जाए इस मामले में, क्या 15 अगस्त को वंदे मातरम राष्ट्रगीत स्कूल में गाया जाएगा? निश्चित रूप से वंदे मातरम उस स्कूल में गाया जाएगा जी, वरना उसकी स्कूल की मान्यता रद्द होगी। जी शुक्रिया कैलाश जी यहाँ आश्वासन देने के लिए, फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जहां पर शिक्षा अधिकारी ने भी आश्वासन यहां पर दिया है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जांच भी यहां पर करवाई जाएगी, वहीं विधायक कैलाश चौधरी ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि 15 अगस्त को इस स्कूल में राष्ट्रगीत गाया जाएगा। तो आपको बता दें बड़ी खबर यहाँ पर, जहाँ विधायक कैलाश चौधरी ने ये बात भी कही कि अगर 15 अगस्त को राष्ट्रगीत स्कूल में नहीं गाया जाता है तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे कि प्रदेश में कैसे दलितों पर अब भी अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।